हाय दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बटेसरा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको नया कंटेंट हर हफ्ते देता रहूँ, जो कि होगा मेंस फैशन, ग्रूमिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि ग्रेट फेशियल हेयर टू मेन इज लाइक मेकअप टू वुमेन, यानी जो हमारी बियर्ड है उसका कंपैरिजन वुमेन के मेकअप के साथ करा गया है, तो उतना ही क्रूशियल माना जाता है हमारी बियर्ड को। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपके चेहरे के लिए परफेक्ट बियर्ड स्टाइल क्या होना चाहिए, तो आज मैंने लिस्ट बनाई है ऐसी 5 बियर्ड स्टाइल्स की जिसको आप देख सकते हैं और फिर शुरुआत कर सकते हैं अपनी बियर्ड ग्रोथ जर्नी की। तो मैंने इस लिस्ट को छोटे से बड़ी बियर्ड के असेंडिंग ऑर्डर में डाला है ताकि अगर आप अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं अपनी बियर्ड ग्रोथ की तो आप शुरू कर सकते हैं छोटी बियर्ड से और फिर आपके चेहरे पे अगर सूट करे, आपके वर्क एनवायरनमेंट को सूट करे, तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और उस शेप में ला सकते हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले एक छोटी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाई थी, बट मुझे लगता है कि वीडियो एक पूरी फुल लेंथ वीडियो डिजर्व करती है, तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले बियर्ड स्टाइल के बारे में, जिससे मैं शुरुआत करने वाला हूं। उसको कहते हैं शेप स्टबल। शेप स्टबल का मतलब है जब आपकी 2 से 3 हफ्ते की बियर्ड जो आपके चेहरे पर आती है उसको आप अच्छे से नीटली शेप करके रखें। शेप करने का क्या मतलब है, आपको अपनी बियर्ड नेकलाइन को मेंटेन करना है जो ये इस एडम्स एप्पल से 1 इंच ऊपर रहता है। इस लाइन को आप मेंटेन करें और ये जो आपकी चीक लाइंस हैं इनको आप शेव कर लें और शेव करके रखें, और नोज लाइंस को भी हमेशा चेक में रखें, और जो आपकी ये साइड बर्न्स हैं इसको अपनी बियर्ड के साथ ब्लेंड कर लें। तो इसको बोलते हैं दोस्तों शेप्ड स्टबल। कुछ फोटोज आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो मैंने भी अपनी बियर्ड काफी 3 से 4 साल मैंने इसको रॉक किया है और मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये बियर्ड उस टाइम पे जब मैंने शुरुआत करी थी अपनी बियर्ड जर्नी की, और उस टाइम पे वर्क प्लेस में एक्सेप्टेबल नहीं होती थी बियर्ड्स, बट फिर भी आई मैनेज और मैंने वो 3-4 साल वो लुक को स्पॉट किया और मुझे बहुत कूल लगती थी ये बियर्ड। तो अब दूसरी बियर्ड स्टाइल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टेपर्ड बियर्ड्स। ये आपका अगला कदम होगा जब आप शेप्ड स्टबल की लुक ला चुके होंगे, तो आप जब 2 से 2.5 महीने की ग्रोथ अपनी बियर्ड की कर लेंगे तब आप टेपर्ड बियर्ड ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कूल बियर्ड स्टाइल है। बेसिकली आपकी जो साइड्स हैं वो ऑल द वे टेपर्ड डाउन होती हैं 0 तक, और आपकी यहां पर जो नीचे की लेंथ है ये लंबी रहती है। ये मेरा दूसरा कदम था बियर्ड ग्रोथ जर्नी के अंदर। आफ्टर द शेप स्टबल मैंने टेपर्ड बियर्ड रॉक करी और काफी समय मैंने इसको रखा इस स्टाइल को। आई थिंक गुड 2-3 इयर्स आफ्टर द शेप स्टबल मैंने टेपर्ड बियर्ड रखी और फिर मैं अपनी लॉन्ग बियर्ड की तरफ बढ़ा, जो कि मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा इसके बाद। टेपर्ड बियर्ड्स राउंड और वाइड फेस शेप के लिए आइडियल रहती हैं। मेरा चेहरा गोल है तो मेरे लिए ये बेटर होता है, क्योंकि नीचे की जो लेंथ आती है ये मेरे चेहरे को थोड़ी हाइट देती है और ये बियर्ड स्टाइल आपको कूल लगता है। अगर आप छोटी से मीडियम लेंथ बियर्ड्स रखना चाहते हैं तो टेपर्ड बियर्ड्स एकदम परफेक्ट बियर्ड स्टाइल है आपके लिए ट्राई करने के लिए। अगर आपकी बियर्ड थोड़ी पैची है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टेपर्ड बियर्ड ट्राई करें, क्योंकि इसका जो शॉर्ट लेंथ है यहाँ पे, इसका जो नेचर होता है छोटी होती है लेंथ, वो आपकी पैची बियर्ड को एक्सपोज कर देगा। टेपर्ड बियर्ड के साथ सिर्फ एक मुश्किल मुझे लगती थी कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती थी। मुझे हर हफ्ते या 2 हफ्ते में अपने सैलून जाना पड़ता था बियर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे बियर्ड स्टाइल की तरफ, ये है फुल बियर्ड्स। तो फुल बियर्ड्स 2 तरह की होती हैं। पहली है लंबरजैक बियर्ड, जो कि थोड़ी स्क्वायर होती है नेचर में। ये आज मेरी जो बियर्ड आप देख रहे हैं ये दूसरी तरह की फुल बियर्ड है, जिसको बोलते हैं डकटेल बियर्ड, जो कि बेसिकली थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में होती है। और इससे पहले जो मेरा बियर्ड स्टाइल था कुछ 1-1.5 महीने पहले, वो था लंबरजैक, जो कि स्क्वायर इन नेचर है, जो आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। तो फुल बियर्ड्स लॉन्ग टू मीडियम लेंथ बियर्ड्स होती हैं और ये हर तरह की फेस शेप के साथ सूट करती हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी चौथी बियर्ड स्टाइल की तरफ, जिसका नाम है द ब्रोग। अब ये ब्रोग जो है बेसिकली शू टाइप के शेप से लिया गया है नाम, जो है ब्रोग, तो लंदन से इन्वेंट करा गया एक शू टाइप जिसको ब्रोग्स बोलते हैं, उससे इस बियर्ड स्टाइल को लिया गया है। इसमें बेसिकली आपके चीक्स, चिन और नेक बहुत छोटी होती है, वाइल आपकी जो मूछें हैं ये बहुत फुल और थिक रखी जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा चेहरा गोल है तो मेरे ऊपर ये स्टाइल सूट नहीं करता है, बट आपकी जॉ लाइन अगर अच्छे से डिफाइंड है तो आई वुड रेकमेंड कि आप इस स्टाइल को जरूर ट्राई करें और आई थिंक यू विल रॉक दिस लुक।
तो अब बारी है हमारे पांचवे बियर्ड स्टाइल की, जिसको हम बोलते हैं द लॉन्ग बियर्ड, और इसको हिपस्टर बियर्ड भी बुलाया जाता है। इस बियर्ड के लिए आपको बहुत मेंटेनेंस की जरूरत है, और आई थिंक 90 से 120 दिन की ग्रोथ जब आपकी बियर्ड की हो जाएगी तो ये बियर्ड शेप लेना शुरू करती है। इसके लिए आपको एक डेली ग्रूमिंग रूटीन चाहिए, और आपको इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको इसको रोज वॉश करना है, फिर इसको क्लीन करना है, इसके अंदर ऑयल लगाना है आपको, क्योंकि आपकी जो नीचे की स्किन की सरफेस है वो बहुत ड्राई हो जाएगा। आपको इससे डैंड्रफ दूर रखना है, वो भी एक प्रॉब्लम आती है काफ़ी लंबी बियर्ड्स के साथ। तो बियर्ड ऑयल या फिर बियर्ड बटर आप इस बियर्ड के साथ यूज करें, और फिर फाइनली ब्रश के साथ आप इसको डिटैंगल कर सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग बियर्ड्स हैं ये आइडियल हैं अगर आपका चेहरा थोड़ा नैरो है, राउंड फेस शेप के साथ ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और आप अगर लॉन्ग बियर्ड ट्राई करना चाहते हो तो ये आपका चौथा स्टेप है, आफ्टर यू ट्राइड शेप्ड स्टबल, फिर उसके बाद आपने टेपर्ड बियर्ड ट्राई करा, उसके बाद आप फुल बियर्ड पे गए, फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस बियर्ड को मेंटेन कर पाऊंगा तो आप लॉन्ग बियर्ड की तरफ जाएंगे। और 90 टू 120 डेज आपको ट्रिमर से या सीजर से दूर रहना है, और मैं रेकमेंड करूंगा कि उसके बाद ही आप अपनी बियर्ड को शेप में लाना शुरू करें। हाँ, कुछ ऐसे दिन होंगे जब आपकी बियर्ड बहुत अच्छी नहीं लगेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जब वो बियर्ड शेप में आना शुरू करेगी और वो जो लेंथ आ जाएगी तो आप बहुत कूल लगेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे पांच बियर्ड स्टाइल्स जो आप ट्राई कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं अपनी बियर्ड ग्रोथ जर्नी तो आप शुरू कीजिए शेप्ड स्टबल से, फिर टेपर्ड बियर्ड, फिर फुल लेंथ बियर्ड, और फिर अगर आपको लगे कि हाँ मैं और लंबी दाढ़ी चाहता हूं तो आप लॉन्ग बियर्ड की तरफ जा सकते हैं। और अब क्योंकि आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मैं आपको एक रिवॉर्ड करूंगा एक बोनस टिप के साथ। तो ये है मेरी बोनस टिप आज इस वीडियो की। दोस्तों, बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट्स एक ऐसा स्कैम है जो ये कंपनीज हमें बेवकूफ बनाने के लिए यूज करती आ रही हैं और अपनी सेल बढ़ाती जा रही हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट्स से कैसे आप बच सकते हैं, क्योंकि किसी भी बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट से आपकी दाढ़ी जहां बाल है ही नहीं वो आ ही नहीं सकता। तो आप इसको प्लीज इस स्कैम से बचिए और एक स्मार्ट कंज्यूमर बनिए, यही मेरा आपको एक एडवाइस है, और मेरी बोनस टिप यही होगी आपके लिए। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अब मैं अगले हफ्ते आपसे मिलूंगा नई वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक होगा कि चार बियर्ड स्टाइल्स जो आपको बिल्कुल नहीं ट्राई करने चाहिए, या अगर आपके वो बियर्ड स्टाइल्स हैं तो आप उनसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।